हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से नेचुरल नंबर्स होंगे। सेकंड हम देखेंगे होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, इस टाइप से। इन दोनों में चेंजेस क्या है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर का सीरीज, और नेचुरल नंबर का सीरीज 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब होल नंबर में एक नंबर नेचुरल नंबर से ज्यादा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स होते हैं, और इनके अलावा -1, -2, -3 इस टाइप के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर की सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर की सीरीज 0 से। अब होल नंबर की 0 से स्टार्ट होती है, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर WHOLE O है, यहाँ पर O हम लोग लेट कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग 0 मानते हैं। तो होल नंबर की सीरीज 0 से स्टार्ट होती है, याद रखने के लिए बता रही हूँ सिर्फ। इंटीजर्स स्टार्ट होता है, इंटीजर्स में माइनस नंबर्स भी होते हैं और प्लस नंबर्स भी होते हैं इंक्लूडिंग 0। ये जो माइनस नंबर्स है और ये जो प्लस नंबर्स है, इनको बोलते हैं हम लोग अपोजिट नंबर्स ऑफ ईच अदर, मीन्स अपोजिट नंबर्स मीन्स सपोज अगर मैंने कोई एक इंटीजर लिया है 17, तो इसका अपोजिट इंटीजर कौन हो जाएगा, -17। सपोज अगर मैंने -8 लिया तो इसका अपोजिट बनेगा 8। मतलब प्लस नंबर हो तो माइनस करने का, माइनस होगा तो प्लस, पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट ऑफ ईच अदर्स। हमने इंटीजर्स देखे, लेकिन अगर मैं लेट्स कंसिडर, अगर मैं एक नंबर इस टाइप से बोलती हूँ 2/3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या बनता है, फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स है वो सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे। सपोज अगर मैंने एक ले लिया 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हमेशा रहेगा। अगर मैंने कोई नंबर लिया है 8, तो 8 के नीचे हमेशा 1 रहेगा। मैं अगर बोलूंगी -8, तो इसके नीचे भी 1 रहेगा। सपोज और कोई एग्जांपल लेते हैं 7/3 या फिर 3/7, ये सारे फ्रैक्शंस है। ये सारे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं। सपोज अगर मैंने ये कंसिडर किया, तो यहां पर p की वैल्यू कितनी है 7, q की वैल्यू कितनी है 3। मतलब ये वाला नंबर 7/3 ये p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। सपोज अगर मैंने ओनली 2 लिया, 2 के नीचे /1 आता है, तो ये भी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर्स है। 8/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, -8/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स। आपका p और q ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सपोज अगर q कोई भी एक नंबर के नीचे, अगर हम लोग डिनोमिनेटर अगर 0 रखते हैं, तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 4 लिया और 4/ में 0 रख दिया, तो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। और बाकी सारे जो कोई आप फ्रैक्शंस लेते हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। सपोज अगर मैंने बोल दिया ये यहाँ है 4/3, 4/3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। 4/3 को हम लोग इस टाइप से डिवाइड भी कर सकते हैं, 3
थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, सो ये वन अपॉइंट थ्री आ रहा है, वन पॉइंट थ्री आ रहा है, तो 1.3 को भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ये डेसिमल फॉर्म में है और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अभी हम लोग ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स देखते हैं। ऑपरेशनल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सारे अगर हम लोग ऑपरेशंस किसी दो फ्रैक्शंस पे करेंगे, सपोज अगर मैंने ले लिया 2/3 प्लस 4/7, सो हम लोग इस इन दो फ्रैक्शंस पर प्लस कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन हो गया। तो इस टाइप के हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स जो है जो लर्न हमें आनी चाहिए ये सब कैलकुलेशन के वक्त, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है मिक्स्ड नंबर्स। मिक्स्ड नंबर्स मीन्स सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है 1/3 integer 1/2। इसको पढ़ा कैसे जाता है, 3 integer 1/2। और एक देखते हैं, सपोज अगर मैंने ले लिया 4/7/9, कैसे पढ़ेंगे इसको, 4 integer 17/9। अब ध्यान में ये रखना है आपको, जहां कहीं आपको मिक्स नंबर्स दिखेंगे इसके बाद कभी भी 10th तक अगर आपको मिक्स नंबर दिखेंगे तो आप उनको पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना मतलब जैसे अभी ये 3 integer 1/2 है, तो इसका इम्प्रॉपर क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, जो आंसर आएगा उसको ये न्यूमरेटर से प्लस कर देने का। सो हम लोग देखते हैं 3 integer 1/2, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर करते हैं 3 into 2 + 1, ओके। और ये नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ कॉपी डाउन करने का है, सो 3 2 6 + 1 7/2, मतलब 7/2 आ गया। सो ये हमारा मिक्स था और ये हमने इसको इम्प्रॉपर में कर लिया। तो जब कभी अगर आपको यहाँ पर मिक्स दिखता हो तो आपका पहला काम रहेगा उसका इम्प्रॉपर करना। और एक दो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम लोग। सपोज है 2 integer 1/7, सो 2 multiplied by 7 + 1/7, सो 7 2 = 14 + 1/7 मीन्स 15/7। और कोई लेते हैं 2/5, अब क्या बनेगा इसका, अब डायरेक्ट करते हैं हम लोग, 5 3 = 15 15 + 2 = 17 17/5, 9 integer 1/7 9 7 = 63 63 + 1 64 64/7, सपोज 5 integer 1/8 8 5 = 40 40 + 1 41/8, इस साइड से आपको डायरेक्टली करना है। प्लस प्लस आपको प्लस मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 + 3 लिया, सो आपको 8 ये प्लस मिलेगा, मतलब ये प्लस है तो ये प्लस मिलेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस तो आपको प्लस मिलेगा। सेकंड थिंग, अगर आपके पास यहाँ ये भी माइनस है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, मतलब -5 है -3 है तो माइनस माइनस है तो ये आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 = 8, तो आपको प्लस करने का है, आंसर लिखने का है और बाद में बोलने का है साइन बड़े की, तो बड़ा कौन है 5, तो इसकी साइन कौन सी है माइनस, सो माइनस माइनस प्लस करेंगे और साइन रहेगी आपकी बड़े की। उसके बाद आएगा सपोज मैंने ये माइनस ले लिया और ये प्लस ले लिया, अब क्या होगा, सपोज एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस प्लस बोलिए या प्लस माइनस बोलिए, वन एंड द सेम थिंग। अभी माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो
फाइव माइनस थ्री कितना होता है टू, और साइन बड़े की, बड़ा कौन है फाइव, तो यहां लिखेंगे हम लोग माइनस। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, अगर मैंने यहां दे दिया फाइव, ये आएगा थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री, ये है प्लस आपका, प्लस फाइव माइनस थ्री, आपको माइनस करना है, तो प्लस माइनस माइनस, फाइव माइनस थ्री टू, और साइन बड़े की, बड़ा फाइव है इसका साइन है प्लस, तो आप लिखिए या मत लिखिए सेम थिंग, उसको प्लस ही माना जाएगा। सो ये जो है हम लोग ये कब यूज करते हैं, किसी दो नंबर्स का या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन अगर करना है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, इन सब में हम लोग ये यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं हम लोग, सपोज है माइनस फोर्टीन प्लस थ्री, कैसे बोलेंगे अभी, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, जब दो डिफरेंस साइन होगी तो हमेशा माइनस आएगा, दोनों साइन अगर प्लस होगी तो प्लस, दोनों साइन माइनस होगी तो प्लस ही आएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, अब 14 माइनस 3 कितना होता है 11, सो आई विल राइट हियर 11, साइन बड़े की, बड़ा कौन है 14, 14 की साइन कौन है माइनस, सो वी विल राइट हियर माइनस। सपोज वी विल टेक 7 माइनस 7 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 3 10, साइन बड़े की, बड़ा कौन है 7, सो माइनस 7 सॉरी माइनस 10, सपोज वी विल राइट हियर माइनस 15 माइनस 8, चलो माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 8 23, साइन बड़े की, बड़ा माइनस बड़ा 15 है इसकी साइन माइनस है, सो वी विल राइट हियर माइनस साइन। ये सब तो हो गया, प्लस माइनस जब करते हैं तब हम लोग इस टाइप कर रहे हैं। अब देखते हैं अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करूंगी, हम लोग बचपन से 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करते आ रहे हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है इन दोनों में, इसका मतलब ये दोनों भी पॉजिटिव है। अब 5 3 15, बचपन में ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, अभी तक ऐसे ही लिखते आए हैं, 5 3 15, ये भी प्लस ही था, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है इसलिए, तो ये जो प्लस है और ये प्लस है तो प्लस 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 ही होता है, तो 5 3 15 और ये प्लस प्लस प्लस, इस टाइप से आपको लिखना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा है 5 × 3, आपको यहां सिर्फ आंसर लिखना है, 5 3 15 और प्लस माइनस माइनस, यहां साइन बड़े की नहीं बोलना है। उसके बाद सपोज है मेरे पास नंबर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय है माइनस 8, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56 और प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े की नहीं बोलना क्योंकि यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन बड़े की सिर्फ प्लस या माइनस अगर कर रहे होंगे तभी हम लोग साइन बड़े की बोलेंगे, अदरवाइज इतना ही आपको बोलना है। उसके बाद है सपोज 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, सो 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, आप लिखिए तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस साइन ये हमेशा ऑप्शनल होती है। अब देखते हैं कुछ डिवीजन के प्रॉब्लम्स। सपोज अगर मैंने ले लिया माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 और 2 को डिवाइड करो कितना होता है 2 4 8, सो आई विल राइट हियर 4 और ये प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस माइनस माइनस, तो यहां माइनस लिखूंगी मैं। सपोज अगर मैंने माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इस टाइप से लिख दिया तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 4, 2 4 8 और ये माइनस माइनस प्लस, सिर्फ माइनस माइनस प्लस ही आपको यहाँ साइन देनी है, नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ चलेगा। सपोज अगर मैंने ले लिया है 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2, सेम आंसर आएगा 2 4 8 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस की साइन लिख दूंगी। अगर मुझे दे दिया किसी ने सपोज है 72 माइनस 72 डिवाइडेड बाय माइनस 8, 72 डिवाइडेड बाय 8 9 होगा और ये माइनस माइनस प्लस है इसलिए प्लस ही होगा। इसी को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, माइनस 72 अपॉन माइनस 8, तो 8 1 8
8 9 72 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस 9 आएगा। सपोज मैंने लिख दिया 2/3 + 4/3। अभी यहाँ फ्रैक्शन का हम लोगों को एडिशन करना है, ये सारा स्टेप्स हम लोगों को फॉलो ही करना है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो आपको यहाँ पर प्लस करना है। अब ये फ्रैक्शंस का कैसे एडिशन करते हैं, पहले देखेंगे हम लोग डिनोमिनेटर सेम है क्या। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो एक ही बार लिखने का 3, और ऊपर वाला कितना है 2 + 4 हाउ मच 6। देखिए ये कैंसल होता है क्या, 3 के टेबल में दोनों जाते हैं, तो 3 1 3 3 2 6, 2/1 लिखिए या ओनली 2 लिखिए, सेम थिंग। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर 2/3 लिख दिया, यहाँ लिखा 4/5। अब ये 3 है, ये 5 है, ये सेम है क्या, डिनोमिनेटर्स दोनों के नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आपको पहले सबसे पहले उसको सेम करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जब जब आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन दो फ्रैक्शंस का कर रहे होंगे तो सबसे पहले कंडीशन आपकी ये रहेगी कि आपको डिनोमिनेटर सेम करने के हैं। सो यहाँ पर है 3 और 5। अभी हमने लास्ट टाइम देखा है एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग 3 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 3 5 3 1 3 5 5 1 5 5, एलसीएम कितना आएगा 3 × 5, दैट इज 15। एलसीएम आ गया 15। अभी यहां है 3 और यहां है 5, एलसीएम हम लोगों को मिल गया है 15। ये आपको रफ वर्क में कंपलसरी करना ही है, एलसीएम निकाल के दिखाना है आपको कितना आता है। एलसीएम आ गया 15। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ इक्वल टू की साइन लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा पहले इक्वल टू की साइन लिखना है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करूंगी और यहाँ आपका एलसीएम कॉपी करूंगी। अब इससे इसको डिवाइड करने का है, हाउ मच 3 5 15, तो 5 आ गया मेरे पास। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। फिर ये वाली साइन जो है वो यहाँ कॉपी डाउन करूंगी, फिर ये 4 है वो यहाँ 4 लिखूंगी, और ये 5 और 15 को आगे डिवाइड करूंगी, तो 5 3 15, ये दोनों को आपको फिर डिवाइड करने का है, तो कितना आ जाएगा 3, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 4 × 3। उसके बाद इक्वल टू की साइन आएगी यहाँ पर, 5 2 10 + 4 3 12 / 15, 10 + 12 = 22/15। सबसे पहले हमने क्या बोला था, जब जब मिक्स फ्रैक्शन दिखेगा तो उसको आपको इम्प्रॉपर में करना है, बाकी कहीं कुछ भी रहे, अगर कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो उसमें आपको मिक्स नंबर दिखा तो सबसे पहला काम है उसको इम्प्रॉपर करना। चलो इसको इम्प्रॉपर करते हैं, 5 3 15 15 + 1 16, तो ये आ जाएगा 16/5, प्लस की साइन है इसलिए यहाँ पर भी प्लस, 7 7 49 49 + 2 51 51/7। अब जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, तो दोनों डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, दोनों प्राइम नंबर्स है, हमेशा प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा क्योंकि उनमें कॉमन कुछ नहीं निकलने वाला। सो 5 1 7, वैसे के वैसे ही 7 1 7, सो एलसीएम कितना आ गया आपका 5 × 7 = 35। अभी नीचे में 35 लिखेंगे हम लोग, 5 7 = 35, तो 16 × आएगा 7, प्लस आएगा 7 5 = 35, तो 51 × 5, ये दोनों को डिवाइड करना है और ये दोनों को डिवाइड करना है, तब जाके ये 5 मिलने वाला है हमको और ये 7 मिलने वाला है, ठीक है। अभी 16 7 112 + 51 × 5 5 1 5 5 5 = 25, और नीचे में कितना आएगा 35। अब 1 1 2 + 2 5 5 कितना होता है, 5 + 2 7 5 + 1 6
एंड 2 + 1 = 3, तो 367/35। 35 के दो फैक्टर्स है, 5 × 7 वाले और दोनों प्राइम है। अब देखते हैं 5 से इसको जाएगा क्या डिवाइड, 5 से डिवीजन जाने के लिए यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। इसको 5 से डिवाइड जाता है लेकिन इसको 5 से डिवाइड नहीं जाता है, इसका मतलब ये दोनों को 5 से नहीं जाएगा डिवाइड। अब देखते हैं इसका 7 × 5 = 35, 7 से इसको जाएगा तो इसको जाएगा क्या 7 से, 367/7, 7 × 5 = 35, 1, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर आता है 3, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो ये डिवाइड नहीं होने वाला, ये वैसे के वैसे ही आंसर रहेगा। अगर यहां पर हमने डिवाइड करने के बाद यहां 0 आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको डिवाइड कर देते थे 7 से, लेकिन 7 से वो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आंसर हमारा यही रहेगा। 5 × 3 = 15, 15 + 1 = 16, और ये जो माइनस साइन है ये 16 को मिलेगी, अपॉन आ जाएगा 5, ये माइनस की साइन वैसे ही कॉपी डाउन, 7 × 7 = 49, 49 + 2 = 51, और नीचे में आएगा 7। अगेन ये दोनों सेम नहीं है इसलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम है 35, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5 × 7 = 35, तो ये आएगा -16, और इसको इससे डिवाइड करने के बाद 7, तो यहाँ पर आएगा 7, ये माइनस की साइन यहाँ पर, अभी ये 51 वैसे के वैसे ही उतारने का है, और 7 × 5 = 35, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाइड बाय आएगा 5। अब कितना होता है ये 6 × 7 = 42, 4 carry 7 × 7 + 4 = 11, लेकिन ये वाली माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ ये वाली माइनस है इसलिए यहाँ माइनस, 5 × 5 और 5 × 5 = 25, तो यहाँ पर आएगा 255, और नीचे में आएगा 35। पहले वाले प्रॉब्लम में ये माइनस नहीं था, ये दोनों को हमने माइनस किया था। अब देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 255 + 112, तो हो जाएगा 367, और साइन आएगी बड़े की, बड़ा कौन है 255, तो ये आएगा माइनस और नीचे में आएगा 35। यहाँ पर है मिक्स नंबर, सो हम लोगों को इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 11 × 2 = 22, 22 + 3 = 25, सो ये आ जाएगा 25 अपॉन आएगा 11, प्लस 77 × 77, और प्लस 3 मीन्स 80 × 77, दोनों अलग अलग है डिनोमिनेटर्स, इसलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 11 × 11, 11 × 7 = 77, 1 और 1, सो एलसीएम हमारा आ जाएगा 11 × 7 मीन्स 77, सो वी विल राइट हियर 77, इन दोनों को डिवाइड, 11 और 77 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, सो 25 × 7, प्लस की साइन वैसे के वैसे ही, 77 / 77, 1, सो 80 × 1, 25 × 7 कितना होता है, 25 × 7 = 175 + 80/77, कितना हो जाएगा ये 5, 8 + 7 = 15, 1 + 1 = 2, 255/77, इसके दो फैक्टर्स है 11 और 7, और 11 और 7 से ये डिवाइड जाता है क्या, 11 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, 255/11, ट्राई करते हैं, 11 × 2 = 22, 0, 5 बज गया, सो डिवाइडेड बाय, देखते हैं 77 के दो फैक्टर्स है 11 और 7, देखते हैं 11 या फिर 7 से इसको डिवाइड जाता है क्या, 11 × 2 = 22 और बच गया 3 और 5, तो 11 × 3 = 33, नहीं जाता है 11 से, 7 से जाता है क्या 255 को, 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 42, तो 3 रिमाइंडर है, इसका मतलब ये दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं जाता है, तो ये इतना ही आपका आंसर है।
सबसे पहले इम्प्रॉपर करना है, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री वन जा थ्री प्लस टू फाइव, फाइव अपॉन थ्री, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्स। थ्री और सिक्स सेम नहीं है नंबर्स, इसलिए हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू, टू वन जा टू, सो हमारा एलसीएम कितना आ गया, थ्री टू जा सिक्स। सो वी विल राइट हियर सिक्स, इन दोनों को डिवाइड करना है, फाइव से मल्टीप्लाई करना है, फाइव मल्टीप्लाइड बाय, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा टू, थ्री टू जा सिक्स, सो मल्टीप्लाइड बाय टू, माइनस की साइन कॉपी डाउन, सिक्स और सिक्स को मल्टीप्लाई करने का वन आएगा, तो ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन, फाइव टू जा टेन, माइनस ट्वेंटी थ्री वन जा ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्स। अब फिर यहां पर ये प्लस है और ये माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, तो ट्वेंटी थ्री माइनस टेन इलेवन सॉरी थर्टीन अपॉन में आएगा सिक्स, लेकिन प्लस माइनस माइनस थर्टीन आएगा और साइन आएगी बड़े की, और बड़ा है ट्वेंटी थ्री, तो उसकी साइन इसको मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस थर्टीन अपॉन सॉरी माइनस थर्टीन अपॉन सिक्स। अब सेकेंड का हम लोग लेते हैं थर्टींथ वन, थर्टींथ प्रॉब्लम, वन इंटीजर टू अपॉन थ्री माइनस थ्री इंटीजर फाइव अपॉन सिक्स, मिक्स नंबर है, सबसे पहले इम्प्रॉपर करना है, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री वन जा थ्री प्लस टू फाइव, फाइव अपॉन थ्री, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्स। थ्री और सिक्स सेम नहीं है नंबर्स, इसलिए हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू, टू वन जा टू, सो हमारा एलसीएम कितना आ गया, थ्री टू जा सिक्स, सो वी विल राइट हियर सिक्स, इन दोनों को डिवाइड करना है, फाइव से मल्टीप्लाई करना है, फाइव मल्टीप्लाइड बाय, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा टू, थ्री टू जा सिक्स, सो मल्टीप्लाइड बाय टू, माइनस की साइन कॉपी डाउन, सिक्स और सिक्स को मल्टीप्लाई करने का वन आएगा, तो ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन, फाइव टू जा टेन, माइनस ट्वेंटी थ्री वन जा ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्स। अब फिर यहां पर ये प्लस है और ये माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, तो ट्वेंटी थ्री माइनस टेन इलेवन सॉरी थर्टीन अपॉन में आएगा सिक्स, लेकिन प्लस माइनस माइनस थर्टीन आएगा और साइन आएगी बड़े की, और बड़ा है ट्वेंटी थ्री, तो उसकी साइन इसको मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस थर्टीन अपॉन सॉरी माइनस थर्टीन अपॉन सिक्स। सो फोर टू जा एट प्लस वन नाइन, नाइन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन थ्री, टू और थ्री का एलसीएम निकालते हैं, कॉमन कुछ नहीं है इसलिए उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होगा, तो आएगा यहां पर सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, तो यहां पर आएगा थ्री, ये थ्री यहां पर, थ्री टू जा सिक्स, तो यहां पर मल्टीप्लाइड आएगा टू, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, माइनस थ्री टू जा सिक्स अपॉन सिक्स, तो आंसर आएगा ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्स ट्वेंटी वन अपॉन सिक्स। ट्वेंटी वन अपॉन सिक्स, ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं, थ्री से होते हैं, तो इसको हम लोग थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, सो आंसर आएगा आपका सेवन अपॉन टू। इसी के साथ हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन किए है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।